हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कायाकल्प। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्राइडल के लिए फेशियल, जो कि आज मैं बता रही हूँ शहनाज हुसैन के गोल्ड फेशियल किट से। ये मिनी पैक है, इसमें आप लोगों को स्क्रब मिलेगा, मॉइस्चराइजिंग क्रीम मिलेगा, साथ में जेल, टोनर और फेस पैक यानी कि फेस मास्क मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस फेशियल को कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे मेरी ये स्टूडेंट ही है जिनकी शादी होने वाली थी, तो मैं इनके ऊपर ये फेशियल कर रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ली हूँ स्क्रब, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। मैं थोड़े से यहाँ पे क्लिंजिंग मिल्क भी मिक्स कर रही हूँ, यहाँ पे इसमें वाटर ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। और साथ में मैं स्टेप देते हुए इनके फेस को क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे आप 5 मिनट इस स्टेप के साथ क्लीन करेंगे और थोड़ी देर के लिए स्किन पे छोड़ देंगे, इससे हमारा ये जो स्किन है ना बहुत अच्छे से क्लीन होता है। गाइस, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये कैसे कैसे स्किन पे करेंगे। तो ये ऑल टाइप स्किन पे हो सकता है, ये हर एक स्किन पे होता है, बस कलर के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा डीप स्किन पे यानी कि डार्क स्किन टोन पे हम लोग इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है गोल्ड इफेक्ट देता है। तो हम लोग मीडियम टू लाइट स्किन पे करेंगे। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है इनका कलर कम्प्लेक्शन पूरा फेयर है, तो इस पर जब गोल्ड फेशियल का लुक आएगा तो बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये ब्राइडल के लिए बहुत ही बेस्ट किट है, आप लोग इसे कर सकते हैं। अगर आप इससे पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ जाएंगे कि गोल्ड फेशियल कैसे करना है, तो आप लोग इसे इजीली घर पे भी कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे पूरे स्टेप को मैं मसाज में दिखाऊँगी, आप यहाँ पर बस तरीके को समझे कि किस तरह से हम लोग फेशियल को करेंगे। यहाँ पे मैं फेशियल के साथ ब्लीच भी अप्लाई की थी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्किन को क्लीन कर रही हूँ और स्क्रब हो चुका है, और इसके बाद आप इसे साफ़ कर लेते हैं, देन यहाँ पे मैं ब्लीच अप्लाई करूँगी और ब्लीच के बाद बाकी जो मसाज होगा वो होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरे अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पे काम किया गया है। तो ब्लीच के पहले यहाँ पे मैं लगाई हूँ प्री ब्लीच क्रीम, जिससे कि आपका ब्लीच अच्छी तरह से काम करेगा और किसी भी तरह का बैड इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग ब्लीच, यहाँ पर मैं ऑक्सी ब्लीच को अप्लाई की थी, तो यहाँ पर मैं ब्लीच को अप्लाई कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को ब्लीच को प्रिपेयर करते हुए नहीं दिखा पाई, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। मैं नेक्स्ट ब्लीच का सिर्फ सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्लीच को अप्लाई कर लेना है, आईज़ को छोड़ के, लिप को छोड़ के और जो भी हेयर लाइंस है उससे बचाते हुए, क्योंकि ब्लीच क्या करता है हमारे फेस के हेयर को फेस में मिक्स करता है यानी कि फेस के अकॉर्डिंग कर देता है। तो इस तरह से वो यहाँ पे ब्लीच हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ली हूँ जेल, और जेल को अब पूरे स्किन पे अब लगाते हुए एब्जॉर्ब करवा देना। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो जेल है इसमें कुछ गोल्ड स्टिक्स होते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे गोल्ड के टुकड़े जैसे दिखते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले स्किन में एब्जॉर्ब करवा देना है। मैं पहले क्रीम नहीं अप्लाई करती हूँ, मैं पहले जेल अप्लाई करती हूँ। इससे मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट आता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं पूरे स्किन में उसे एब्जॉर्ब करवा रही हूँ। देन मैं यहाँ पर ले रही हूँ मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साथ में ले रही हूँ टोनर। तो टोनर को सबसे पहले मैं आईज़ एरिया को छोड़ के पूरे फेस पे स्प्रे कर ली हूँ, और अब मैं ले रही हूँ मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और मॉइस्चराइजिंग क्रीम से आपको पूरे फेस पे मसाज देना है। यहाँ पे मैं प्रॉपर पूरे स्टेप को दिखाई हूँ, आप लोग उसे देखें कि किस तरह से मसाज देना है। आपके जितने भी स्ट्रोक्स होंगे वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ चलेंगे हाथ, तो इससे फेस पे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, और बहुत ही धीरे धीरे स्मूथ हैंड से आप पूरे फेस पे मसाज देंगे। साथ ही मैं नेक एरिया पे और ईयर पे सभी जगह मसाज दे रही हूँ। आप भी इसी तरीके से पूरे फेस पे मसाज देंगे, और आप पूरे स्टेप को ध्यान से देखें।
लगभग 15 से 20 मिनट तक आपको प्रॉपर सारे स्टेप को देते हुए मसाज करना है। और अब आप देख रहे हैं कि क्रीम पूरी तरह से स्किन में एब्जॉर्ब कर चुका है। तो इसी तरीके से आपको पूरे स्किन में क्रीम को एब्जॉर्ब करवा देना है। इस तरह से लाइट बहुत अच्छे से आएगा आपके फेस पे, ग्लो अच्छा आता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टेप देते हैं तो ग्लो बहुत अच्छा आता है। देन यहाँ पे मैं दे रही हूँ स्टीम, आप पूरे फेस पे स्टीम को दे लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक आप स्टीम देंगे। स्टीम के बाद इस तरह से आप फेस को रिलैक्स देते हैं। और अब यहाँ पे आपको लगाना है फेस मास्क। तो ये है फेस मास्क जिसे मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। फेस मास्क को हमेशा बाहर की तरफ स्ट्रोक्स देते हुए और ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स देते हुए लगाएंगे। ये फेस मास्क हमारे स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से टाइट करता है, और अगर बहुत अच्छे से टाइट करने से आपके स्किन पे ग्लो भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से आप ईयर को भी इग्नोर नहीं करते हुए पूरे फेस पे इसे लगा लेते हैं। लगभग 20 मिनट के बाद ये आपका फेस पैक सूख जाता है। तो इसके बाद आप इसे अच्छे से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए आप पहले वाटर स्प्रे से या फिर किसी भी तरह से फेस को हल्का गीला करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मैं वाटर स्प्रे के अलावा फेशियल वाटर को लेके इस तरह से पूरे फेस में मिला रही हूँ, और इसे लाइट हैंड से आप मसाज करते हुए पूरे इस क्रीम को मीन्स पैक को अच्छे से रिमूव कर लेते हैं। और रिमूव करने के बाद आप इसमें कोई भी मॉइस्चराइजर सीरम लगा देते हैं। आप देख रहे हैं कि फेस पे कितना अच्छा ग्लो आया है। तो गाइस, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।